किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए लगभग 5 महीने पहले अंबाला के पास लगते हरियाणा पंजाब की सीमा पर डटे शंभू बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेटिंग कर उसे बंद कर दिया गया था। काफी समय से बंद पड़े इस बॉर्डर को अब खुलवाने की मांग उठने लगी है। इसी के चलते अंबाला में कांग्रेस के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने साथियों सहित सांकेतिक धरना दिया और बॉर्डर खुलवाने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जो किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं उन्हें दिल्ली जाने देना चाहिए क्योंकि ये उनका अधिकार है। बंद पड़े बॉर्डर से अंबाला शहर स्थित कपड़ा व्यापारियों का काम पूरी तरह से ठप हो गया है, उनका खर्चा निकालना भी अब मुश्किल हो गया है। साथ ही उन्होंने सरकार से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग भी की है। धरना किसानों ने शंभू बॉर्डर पर लगा रखा है और सरकार उनको दिल्ली जाने से रोक रही है। हमारा सरकार से निवेदन है कि ये जो है रास्ता खुलवाए और लोगों को जाने दें, उनका जाने का अधिकार भी है और सब लोग जाकर रामलीला में अपनी बात अपोजिशन के और दूसरे लोग कहते आए हैं और कहेंगे भी। यहाँ पर इनके जो रास्ता बंद है उससे हमारा अंबाला शहर के कपड़े व्यापारी और दूसरा कारोबार और अंबाला कैंट का बहुत हिट हुआ है। ये शहर बॉर्डर पे है और बहुत बड़ा एरिया पंजाब का इसके साथ लगता है, वहाँ से लोग यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं तो वो वहाँ नहीं रहे। यहाँ हमारे व्यापारी वर्ग में बहुत रिजेंटमेंट है, सो हमारा यही है कि इसको उठवाओ और नहीं तो हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा।